हाय गाइस, वेलकम बैक। आपको इस वीडियो के टाइटल से पता ही चल गया होगा कि मैं आज आपको ऑयली या तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बजट स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो प्रोडक्ट्स मैं बताने वाली हूँ वो प्रोडक्ट्स के लिंक्स और प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप होता है अपने स्किन को अच्छी तरीके से वॉश करना। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी क्लीन एंड क्लियर का पिंपल क्लियरिंग फेस वॉश। इस फेस वॉश में नीम और लेमन के एक्सट्रैक्ट्स, नीम और लेमन आपके एक्ने को होने से रोकता है और ये फेस वॉश ऑयल फ्री भी है जो आपके स्किन को एक्स्ट्रा ऑयली नहीं करेगी और जो एक्सेस ऑयल है वो निकाल देगी। फेस वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्क्रब। फेस स्क्रब के लिए मैं सजेस्ट करूंगी लैक्टोकैलामाइन ऑयल बैलेंस स्क्रब। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं सजेस्ट करूंगी 2 to 3 टाइम्स वीक में स्क्रब करना। ये स्क्रब बहुत ही जेंटल है। अगर आपके करेंटली कुछ एक्नेस है तो बस वो एरिया को अवॉइड करके आप पूरे फेस पे स्क्रब कर सकते हैं। ये स्क्रब आपके डेड स्किन को बहुत अच्छी तरीके से निकाल देता है, बिल्कुल जेंटल है स्किन पे, एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल देता है और रिजल्ट बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन। थर्ड स्टेप, आपको यूज़ करना होता है एक टोनर। टोनर आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है और स्पेशली ये रोज़ वाटर आपके स्किन को एक्स्ट्रा नरिश और हाइड्रेट करेगा। ये टोनर आप एक कॉटन पैड पे थोड़े ड्रॉप्स लगा के आपके पूरे फेस पे वाइप कर सकते हैं, या तो मैं क्या करती हूँ ये हाथ पे लेके डायरेक्टली फेस पे टैप कर देती हूँ, या तो आप इसको एक ऐसा छोटा स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और दिन में 2 से 4 बार एज अ फेस टोनर, एज अ फेस मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन केयर का फोर्थ स्टेप होता है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी निविया का एलो हाइड्रेशन क्रीम। वाइट क्रीम के जैसे आता है, बहुत ही इजीली स्किन पे स्प्रेड हो जाता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऑयली नहीं है, आपको बस थोड़ा सा फेस पे लगाना होता है और ये बहुत इवनली स्प्रेड हो जाता है। ये ऑयली रेसिड्यू बिल्कुल नहीं देता है और परफेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन आपके स्किन को देता है और इसमें एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स हैं ही जो आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मॉइस्चराइजेशन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपका जो भी स्किन टाइप हो, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, एक्ने प्रोन, वो है SPF का यूज़ करना। सो SPF के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी पॉन्स का नॉन ऑयली सनस्क्रीन। ये आता है SPF 30 के साथ। ये एक वाइट क्रीम है बट बिल्कुल ऑयली और ग्रीसी नहीं है, ये वाइट कास्ट भी नहीं देता। आपको SPF दिन में 2 से 3 बार लगाना चाहिए तो आपके हैंडबैग में रखने के लिए ये साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइज, अगर आपका स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, या तो आप एक टीनेजर हो और आपको बजट में स्किन केयर रूटीन चालू करना है तो ये प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और आपने अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वी विल मीट सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।